हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू मिनट में। आज मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा एक डिजिटल टेबल क्लॉक का, जो कि मैंने शॉपी से परचेज की है और इसके लिए मुझे 158 रुपये देने पड़े। तो चलिए अभी जल्दी से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमें इसमें किस तरह की क्लॉक देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अभी आप देख सकते हैं इस बॉक्स में हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें हमारी डिजिटल क्लॉक है। यह डिजिटल कंट्रोल LCD क्लॉक है। इस क्लॉक में मुझे एक छोटी सी कमी देखने को मिली जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए जल्दी से अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इसमें हमको यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जो चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप इसको यूज करना सीखना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें एक इस तरह की क्लॉक देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इसके पीछे हमें बहुत सारे बटन देखने को मिलता है जिसमें हम टाइम, अलार्म और डेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके सेंसर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके डिस्प्ले पे एक पन्नी चिपकी हुई है जो मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। इस क्लॉक में हमें बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसको यूज करने के लिए इसमें हमको 3 AAA बैटरी लगानी पड़ेगी। यह बैटरी आपको क्लॉक के साथ देखने को नहीं मिलेगी, आपको यह अलग से परचेज करनी पड़ेगी। यह आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 20 रुपये में आपको मार्केट में 3 बैटरी मिल जाएगी। जैसे ही इसमें 3 बैटरी इंसर्ट की, उसके बाद यह क्लॉक ऑन हो गई। आप देख सकते हैं यह प्रॉपर वर्क कर रही है। इस क्लॉक में हमें टाइम और डेट के साथ ही अलार्म का टाइम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा डेट और मंथ भी देखने को मिलती है और हमारा रूम का टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मैंने इस क्लॉक में टाइम डेट सब सेट कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा हमें और इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी एक बटन है जिसको प्रेस करते हैं तो इसकी LED लाइट जल जाती है। इसका यूज आप नाइट में भी टाइम देखने के लिए कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा बटन मिलता है। इसके अलावा इस बटन के बीच में हमें एक सेंसर देखने को मिलता है जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि अभी डे है या फिर नाइट है। इस सेंसर को कंट्रोल करने के लिए भी हमें एक बटन मिलता है जिससे हम इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर आप शॉपी कॉइन का यूज करते हैं तो ये क्लॉक हमें शॉपी पे 150 रुपये के आसपास मिल जाती है। वैसे तो ये क्लॉक बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमें इसमें एक छोटी सी कमी देखने को मिलती है। इस क्लॉक को इसी तरह से बनाया गया है जिससे आप इसे टेबल पर यूज कर पाओ, लेकिन अगर आप इसको अपनी आँखों के सामने या फिर आँखों से ऊपर रखते हैं तो इसमें आपको टाइम अच्छे से नहीं दिखता है। इसका यूज आप सिर्फ अपनी टेबल पर ही कर पाएंगे। इसको अगर आप कहीं ऊपर रखोगे तो आपको इसमें टाइम अच्छे से नहीं दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें हमको दिन में तो अच्छे से दिख जाता है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो इसमें हमें टाइम किस प्रकार दिखता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसका सेंसर ऑन है तो इसमें यह LED जल रही है जिससे हमें बहुत ही अच्छे से टाइम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वाला बटन को प्रेस करते हैं तो ये LED और ज़्यादा जलेगी और आपको बहुत ही अच्छे से टाइम देखने को मिलेगा। अगर आप सेंसर को ऑन रखते हैं और बटन को प्रेस नहीं करते तो इसमें आपको LED कम जलती है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे से टाइम दिख जाएगा। लेकिन अगर आप सेंसर वाला बटन ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद ये LED पूरी तरह से बंद हो जाती है। जब आप ऊपर वाले बटन को प्रेस करते हैं तभी ये LED जलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।